अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में फेसबुक आईडी को महफूज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी काम के बारे में बात करेंगे कि आपके फेसबुक आईडी को हैकिंग से बचने के लिए, हैकर से बचने के लिए कैसे महफूज बनाएं। इसके लिए टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि टेक्निकल काम नहीं है, हर कोई सब अनपढ़ बंदा भी इसको महफूज बना सकता है हैकर से बचने के लिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आप फेसबुक को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देते हैं, अपने फेसबुक आईडी को महफूज बनाते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आखिर में सेटिंग पर जाए, सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ से आप देखिए ये जो है जनरल के बाद सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी सारे स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको आपने ऑन करना है और इसमें फिर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर जब देखे तो यहाँ यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने वो किया है कि चूज ए सिक्योरिटी मेथड, एसएमएस के जरिए आप भेजें या ऐप के जरिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको एसएमएस ही करें। एसएमएस का जो तरीका कार है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसमें एसएमएस ही बेहतर है। हमने ऑलरेडी एसएमएस सेलेक्ट किया है, आपने अगर ऐप का सेलेक्ट करना है लेकिन एसएमएस सबसे बेस्ट है, इसको आप सेलेक्ट करें। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब उन्होंने हमारे मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा है जो कि 4 से 6 डिजिट का कोड होता है, उसको हमने यहाँ पर लगाना है। अगर आपके मोबाइल पे या आपके फ़ोन नंबर पे आपको एसएमएस नहीं मिला तो यहाँ रिसेंट पे क्लिक करें, रिसेंट कोड पे क्लिक करें। इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेट 2 मिनट बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू कोड, यानी ये 2 मिनट के अंदर आपको एसएमएस मिलेगा फेसबुक की तरफ से, उसमें कोड होगा, उस कोड को आपने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे लगाना है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों ये यूट्यूब फेसबुक की तरफ से मुझे 6 हिंसों का अपने मोबाइल पे 6 हिंसों का कोड आया है, ये मैं पुट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने लिख लिया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, वी विल नो आस्क फॉर ए लॉगिन कोड एनी टाइम यू लॉग इन ऑन ए फोन और कंप्यूटर वी डोंट रिकॉग्नाइज। अब जैसे ही कोई भी शख्स आपके आईडी पर किसी दूसरे मोबाइल या किसी दूसरे कंप्यूटर से लॉग इन होता है तो वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेंगे। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि वो आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजेंगे, उसमें कोड होगा, जब तक वो कोड यहाँ पे नहीं देंगे तो फेसबुक जो है वो लॉग इन नहीं होने देंगे आपके आईडी में। ये इंतहा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसको ज़रूर अप्लाई करें, इसके बगैर आपका जो फेसबुक की आईडी है वो किसी भी वक्त लोग हैक कर सकते हैं, लेकिन जब ये तरीक़ाकार अप्लाई करें, अपना मोबाइल नंबर देके, उसके बाद जब कोई भी आपके आईडी को हैक नहीं कर सकता। यहाँ पर इन्होंने लिखा गेट टेक्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू मैसेजेस पोस्ट्स एंड मोर, अगर आप के फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं, लोग आपको मैसेज करते हैं, नए पोस्ट आते हैं, उसके लिए जब आप इसको ऑन करेंगे तो वो आपके मोबाइल पे बतौर अलर्ट ही आएंगे। अगर आप करना चाहते हैं, अभी हम इसको फिनिश करना चाहते हैं तो फिनिश करें। यहाँ पे अभी आपके आईडी का जो पासवर्ड है वो देंगे, हमारे आईडी का जो पासवर्ड है वो देंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे पासवर्ड देके कंटिन्यू करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन।
यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं या इस नंबर को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर अपने मोबाइल पे, अपने फेसबुक आईडी पे ऑन रखें। इसकी वजह से आपका फेसबुक आईडी कभी भी हैक नहीं हो सकता। इसको ज़रूरी, ये बहुत ही लाजमी है। जब तक ये मोबाइल आपके कंट्रोल में आपके पास रहेगा, दुनिया के जहाँ भी जितने भी बड़े वो है हैकर हैं, वो आपके फेसबुक आईडी को हैक नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें।